सीतापुर के थाना रामपुल करा इलाके में आज सुबह फायरिंग की गूंज से हर कोई दहल उठा। दरअसल पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई और इस मुठभेड़ में दोनों तरफ से कई राउंड फायरिंग की गई। क्या है पूरा मामला, कहां मुठभेड़ हुई है, इसकी पूरी जानकारी दे रहे हैं हमारे रामपुर कला संवाददाता अजीत सिंह। जी उदय जी, आपको बताते हैं, आज करीब 6 बजे रामपुर कला स्वाट व सर्विलांस की संयुक्त टीम ने और बदमाशों के बीच बज्जूपुर चौड़िया बेहड़ तिराहे पर मुठभेड़ हो गई, जिसमें बदमाशों के द्वारा पुलिस पर फायर की गई, जिसमें पुलिस द्वारा जवाबी कार्यवाही में एक बदमाश के पैर में गोली लगने से वह घायल हो गया। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने दो बदमाशों को दबोच लिया है। बदमाशों की पहचान जो की गई है, जिसमें प्रदीप उर्फ सोनू पुत्र श्यामनाथ बारी, उम्र इनकी जो है 38 वर्ष है, पटखाना थाना शाहबाद जनपद हरदोई के रहने वाले हैं और जिनका वर्तमान पता 43/13 बसंत कुंज कॉलोनी दुबग्गा मछली मंडी के पीछे थाना काकोरी लखनऊ। वह दूसरे जो अभियुक्त की पहचान हुई है, जिसमें मोहम्मद इनका नाम है मोहम्मद शरीफ उर्फ बाबू पुत्र अब्दुल संतार, ये जो रहने वाले हैं ग्राम कंदैला थाना कैसरगंज बहराइच के रहने वाले हैं। पूछताछ में ये सामने आया है कि इन बदमाश ये जो बदमाश हैं 5 मार्च को बैंक मित्र अब्दुल अंबुज वर्मा को गोली मारकर हत्या कर लाखों रुपए के बैग लूटने की वारदात को दिन दहाड़े अंजाम दिया था, जिसमें ये लोग शामिल थे। जी, तो ये पूरा मामला है जो 5 मार्च को वारदात अंजाम दी गई थी, दिन दहाड़े बैंक मित्र को गोली मारकर लाखों रुपए से भरा बैग लूट लिया गया था। ये दोनों बदमाश उस वारदात में शामिल होना बताए जा रहे हैं। हालांकि उनमें दो की पहले गिरफ्तारी हो चुकी थी और दो आज सुबह ये गिरफ्तार किए गए हैं। पूरे मामले की जानकारी एएसपी दक्षिणी एमपी सिंह ने भी मीडिया को दी है, तो आप सुनिए कि एएसपी का क्या कहना है इस मामले में। थाना रामपुर कला में आज प्रातः एक पुलिस कार्रवाई में कुख्यात अपराधी प्रदीप उर्फ सोनू निवासी शाहबाद जनपद हरदोई, शरीफ निवासी बहराइच को गिरफ्तार किया गया है। वो दोनों पुलिस की गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इनके द्वारा की गई फायरिंग में हमारी पुलिस टीम स्वाट और थाना रामपुर कला की टीम बाल बाल बची है। जानकारी ये हुई कि हमारे यहाँ विगत सप्ताह में एक CSP संचालक से एक लूट हुई थी। हमारी सर्विलांस और स्वाट की टीम थाना प्रभारी रामपुर कला इस घटनाक्रम में लगे हुए थे। कल शाम को दुर्ग गिरफ्तार हुए, जिनका नाम क्रमशः श्याम और दुर्गा थे। इनके द्वारा बताया गया कि ये घटना एक प्लानिंग के तहत की गई थी, जिसमें 4 मुख्य अभियुक्त इसमें प्रकाश में आए थे, जो क्रमशः एक लड़का शरीफ है वो जनपद बहराइच का था, और एक व्यक्ति जनपद हरदोई शाहबाद का था, और दो लड़के जनपद शाहजहाँपुर के थे। जानकारी ये भी हुई कि ये दो लड़के आज प्रातः एक रैकी में आ रहे हैं। इसी सूचना पर हमारी पुलिस टीम लगी हुई थी और इनके भोर में आज जनपद सीतापुर की सेवा में आती इनसे पुलिस कार्रवाई में इनको गोली लगी है। कुख्यात अपराधी है, इनसे घटना में लूटी गई 29,500 रुपये बरामद हुए हैं तथा आधार कार्ड, और जिस गाड़ी से इन लोगों ने घटना की थी वो मोटरसाइकिल 2 बरामद हुई है तथा इनके पास से 2 अवैध तमंचे बरामद हुए थे। ये एक बड़ी उपलब्धि जनपद पुलिस के लिए है कि चूँकि खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।